गाइस, इस वाली वीडियो में हम बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और इस वाले फोन की वीडियो मैंने जब से अपने चैनल में डाला हुआ है Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन के, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इस वाले फोन में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैटरी से रिलेटेड, मतलब की बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो सभी के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं की मैं इसी वाले फोन का बस आपको टिप्स देने वाला हूँ बैटरी टिप्स, ये जो वीडियो सभी के लिए है, सभी एंड्रॉइड यूजर के लिए। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस वाली प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने फोन में बैटरी वगैरह नहीं चलती है। तो मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक्टो एहसान चैनल। गाइस, टिप्स नंबर 1 की बात कर लेते हैं और ऐसा मैं रैंकिंग वगैरह नहीं करने वाला हूं टिप्स नंबर 1, 2, 3 करके, वैसे ये नॉर्मली हम बात करेंगे। तो देखो, आपके फोन में जो चार्जर आता है गाइस, उसी से आपको अपने फोन को चार्ज करना है, और जो दूसरे थर्ड पार्टी आप चार्जर, मतलब अपने घर में जो कोई भी चार्जर है उससे आप चार्ज करने लगते हैं, तो आपकी बैटरी में थोड़ी सी इफेक्ट पड़ेगा और आपका फोन अच्छे से चार्ज नहीं होगा प्रॉपरली। इससे आपकी जो बैटरी में ना प्रॉब्लम आएगी, आपके फोन की बैटरी ड्रेन जल्दी से होने वाली, इसलिए आपको फोन में जो भी चार्जर आता है उसी से आपको चार्ज करना है। और चार्जर नहीं आता है तो फिर उसके लिए आपको एक ओरिजिनल चार्जर परचेस करना है, ना कि आपने कोई भी सस्ता वाला चार्जर ला लिया और उससे अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं आपको बता दूं गाइस, आपका कोई भी फोन हो, ये जो T2 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसे आप कभी भी चार्ज करें या फिर आपका कोई भी फोन चार्ज करें, तो आपको ना कभी भी अपने फोन को 20% से नीचे नहीं आने देना है, उससे पहले ही आपको चार्ज में लगा लेना है। और हां, 80% जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है उसको निकाल देना है, जिससे कि आपकी बैटरी लाइफ अच्छी रहेगी। और आपका फोन देखना, आप ट्राई करना एक बार कि आपकी जो बैटरी लाइफ है ना उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। और यदि आपका फोन थोड़ा हीट होता है चार्ज में लगाने में, तो मैं आपको बता दूं, आपको कभी 10 मिनट चार्ज में लगा लेना है, फिर 20 मिनट चार्ज में लगा लेना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा पूरा उतार लिया और फिर जीरो से आप 100% चार्ज कर रहे हैं। देखो यार, आपको ना इतने बड़े बड़े चार्जर मिल जाते हैं बॉक्स के साथ में, या फिर आपका जो फोन है बहुत लंबे लंबे वाट का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 66 वाट 100 वाट, तो आपके फोन को ना बहुत जल्दी ये चार्ज कर देते हैं। तो आपको 10 मिनट चार्ज करना है अपने फोन को, फिर से बंद कर देना है और फिर आप 10 मिनट के बाद में फिर से चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका फोन हीट नहीं होगा और आपका फोन जल्दी भी फास्ट चार्ज होने वाला है। ये जो कुछ टिप्स थी ना गाइस, इनको आपको याद रखना है। और देखो, वीडियो स्किप मत करना, मैं आगे आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपकी बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है ना वो हट जाएगी, दूर होने वाली है। अब यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। तो जो हमारी फर्स्ट टिप्स है ना गाइस, आपको क्या करना है, अपने फोन में ऐसा आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया और ओपन करने के बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, जो प्रीवियस में आते हैं, और इस तरह से ऐसा हटा देते हैं जो एप्लीकेशन को। और इसमें क्या होता है पता है, आपने क्लोज तो कर दिया एप्लीकेशन को, अब आप फिर से उस वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका जो फोन में फिर से प्रोसेस करेगा आपका फोन और फिर से ओपन करेगा, से आपकी जो बैटरी है वो लगने वाली है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आप प्रीवियस में एप्लीकेशन है ना, उसे जो भी एप्लीकेशन आप ज्यादा चलाते हैं उनको यहाँ पर रखे रहने देना, आपको ऐसा हटाने की जरूरत नहीं है। देखो, आपका जो फोन है ना स्मार्ट हो चुका है, क्या चीज बैकग्राउंड में रन करना है, किसे फ्रीज करना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। आपको इस तरह से ऐसा हटाना नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को, आप देखना कि आपकी जो बैटरी है इससे भी इंप्रूव होने वाली है। नेक्स्ट टिप्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो यहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा है अपनी जो ब्राइटनेस है ना उसे ऐसा 100% में रखते हैं, कभी भी ऐसा चकाचौंध कर लेते हैं अपनी आंखों को। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो यार जो ब्राइटनेस है उससे ही ज्यादा आपकी बैटरी उतरती है। तो देखो, कभी भी आपको ना अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ना अपने फोन की ब्राइटनेस 50% ही रखना है और इससे ज्यादा नहीं करना है। बाकी आप आउटडोर में यूज करते हैं अपने फोन को, तो वहां पर आप अपने फोन की जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा सकते हैं, मगर आप इंडोर में हैं, घर पर हैं, तो 50% के अराउंड में रखना या फिर इससे भी कम रखना। और जो ऑटो ब्राइटनेस होती है ना उसे आप बंद ही कर देना, क्योंकि वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो इससे आपका जो फोन है प्रोसेस करता ही रहता है, कम ज्यादा होती रहती है आपकी ब्राइटनेस। तो देखो यार, आपको जितनी भी ब्राइटनेस चाहिए ऐसा आप कम कर लो, ज्यादा कर लो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। आप ऑटो ब्राइटनेस में करेंगे तो आपकी बैटरी खपत होने ही वाली है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे YouTube बोलते हैं कि आपके फोन को आपको डार्क मोड में चलाना चाहिए। तो जी हाँ गाइस, आप ना अपने फोन को डार्क मोड में चलाएंगे तो आपकी बैटरी ना इम्प्रूव होगी, जरूर से होगी, क्योंकि आपका जो फोन है एमोलेड वाला है, एमोलेड स्क्रीन है उसमें। आपने देखा होगा आप जब भी डार्क मोड में करते हैं आपके फोन को, तो ऐसा ब्लैक ब्लैक आपका फोन हो जाता है, जिससे कि ना जितना भी ब्लैक जगह है ना उतना जगह में आपके जो पिक्सल वगैरह है वो बंद हो जाते हैं और बैटरी कंजप्शन नहीं होता है उतनी जगहों में। अपने फोन को डार्क मोड में ही चलाना चाहिए ज्यादातर करके, जिससे कि आपकी बैटरी अच्छी चलेगी। नेक्स्ट टिप्स की बात कर लें तो गाइस, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ जिससे कि आपकी जो बैटरी है ना बचने वाली है। आपको फोन में सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद में एप्स में, एप सेटिंग में चले जाना, और एप सेटिंग में आप देखेंगे आपको एक और फीचर्स मिलेगा नीचे साइड में, सबसे स्पेशल ऐप एक्सेस करके इसमें क्लिक करना, और ऊपर साइड में आप देखेंगे ऑटो स्टार्ट वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो स्टार्ट मतलब कि गाइस, आपने अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं भी किया है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आपने अपने फोन को अनलॉक किया, लॉक
अनलॉक है आपका फोन और आपने अनलॉक किया और ये जो एप्लीकेशन है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आप जो नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, उनको यहाँ पर से डिनाई कर देना, मतलब कि यहाँ से ऑटो स्टार्ट को बंद कर देना, जिससे कि वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे और आपकी बैटरी ज्यादा खपत नहीं होने वाली है। मगर सभी को नहीं करना है, आपको जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उनको आप यहाँ पर अलाउ रहने देना। नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो गाइस आपको ना अपने फोन में एक सेटिंग कर लेना है, जैसे कि आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है और नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई वाला। वाईफाई में सिंपली आप चले जाइएगा, यहाँ पर आप देखेंगे वाईफाई में आने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क प्रेफरेंस वाला, इसमें क्लिक करना और ये टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली आपके पहले से टर्न ऑन रहेगा, इसे आपको टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ कर लेंगे ना तो इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप वाईफाई चालू करेंगे तो क्या होता है कि जो वाईफाई है आपके एरिया में आपने कभी कनेक्ट करके रखा होगा तो ये वाईफाई सर्च करता ही रहता है आपका फोन और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलती रहती है और आपकी बैटरी भी खपत होती है। तो ये जो ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्टिंग वाली जो फीचर्स है ना इसे बंद रखना और जब भी आपको वाईफाई की जरूरत पड़े आप अपने हिसाब से खुद वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस वाले फीचर्स को जरूर से बंद कर लेना वाईफाई ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस, आपने देखा होगा आपके फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना ज्यादा आपका रिफ्रेश रेट रहेगा उतनी ज्यादा आपकी बैटरी भी खपत होने वाली है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको 60 हर्ट्ज में ही अपने फोन को चलाना है और आप 120 हर्ट्ज में चलाएंगे तो आपकी बैटरी ज्यादा जल्दी से उतरने वाली है। तो आप देख लेना, आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली वाला, ऑटो में सेट कर लेना आप रिफ्रेश रेट, ये ऑटोमेटिकली जब जरूरत पड़ेगी तब जाके ये 120 में हो जाएगा या फिर 90 में हो जाएगा और या फिर 60 में हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ना अपने फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर वाइब्रेशन साउंड एंड वाइब्रेशन पे चले जाना और जो हैप्टिक रहते हैं आपके फोन के सिस्टम में हैप्टिक वगैरह रहते हैं उनको बंद कर लेना। जैसे मतलब कहीं भी आपने देखा होगा टच किया तो वाइब्रेशन आएगा और आपका कुछ भी होगा तो वाइब्रेशन आता है, जिसमें क्या होता है जो वाइब्रेशन मोटर लगी रहती है ना उसमें भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और इससे आपकी बैटरी कंजप्शन होता है, तो आपने ना जो वाइब्रेशन उसे बंद कर लेना। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं बैटरी टिप्स के लिए, जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको ना ऐसा क्लिक करके रखना है उस वाले एप्लीकेशन को और ऐप इन्फो में जाना और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बैटरी वाला ऑप्शन मिलता है, बैटरी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है और एक अनरिस्ट्रिक्टेड वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ना ये ऑप्टिमाइज में रहता है, क्या होगा आपका जो बैकग्राउंड में फोन रन करता रहता है और बैटरी खपत होती रहती है, इसके लिए आप ना इसे रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसे ओपन करेंगे तब जाके आपकी बैटरी यूज होने वाली है और आपने किसी भी एप्लीकेशन को चलाया और कुछ टाइम के बाद में देखा होगा वो रन करता ही रहता है, मगर आप इसे रिस्ट्रिक्टेड में कर लेंगे तो आप देखेंगे आप ये एप्लीकेशन चलाएंगे तो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से हट जाएगा और आपकी बैटरी इससे सेव होने वाली है। तो जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट में आप सेट कर लेना किसी भी एप्लीकेशन को। अब यार लास्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार में आपने देखा होगा आपका जो लोकेशन है ना वो चालू ही रहता है और इससे सबसे ज्यादा बैटरी कंजप्शन होता है। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी मेरा अफोर्ट देखा, मेहनत देखी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के हम हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, यहाँ पर आपको कुछ इसी से रिलेटेड वीडियो डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।